आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे आगे। दिल्ली के नरेला में सफियाबाद रोड पर दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल पर आज फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी द्वारा पौधारोपण किया गया। इसमें दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इंस्पेक्टर राजेश दहिया जी उत्तरी, दिल्ली नगर निगम की ओर से सैनिटरी इंस्पेक्टर जोगिंदर राणा जी व लाइसेंसिंग विभाग से संदीप कौशिक जी ने अपने हाथों से पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति जनता को संदेश दिया है। फेडरेशन हर वर्ष हजारों पेड़ लगाने का कार्य दिल्ली में करता है। संस्था का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। दिल्ली में पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, इसलिए हमें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। फेडरेशन ऑफ नरेला के अध्यक्ष जोगिंदर दहिया का कहना है कि हमारी संस्था हर साल पौधारोपण करती है और लोगों के घरों में लगने वाले पौधों का भी वितरण समय समय पर किया जाता है। इससे फेडरेशन एक संदेश देना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और जीवन बचाए। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमने जल बोर्ड में दिल्ली जल बोर्ड में वृक्षारोपण किया और ये कार्य फेडरेशन ऑफ नरेला की तरफ से हर साल की बात ही किया जाता है। इस साल भी हमने और सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के ये कार्य किया है और इसमें हमने फलदार भी पेड़ लगाए हैं, जिससे फल भी हमें मिलेंगे आगे चल करके और छाया भी हमें बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसे पेड़ों का हमने पौधारोपण किया गया है। हर साल की भांति आज फेडरेशन ऑफ नरेला ने दिल्ली जल बोर्ड में बहुत सारे पेड़ों को लगाया है, पौधारोपण किया गया है, जिसमें नरेले के एक गणमान्य लोग इकट्ठे हुए। हर साल की भांति फेडरेशन ये कार्य समय समय पर करती रहती है और ऐसे फलदार पौधे लगाए जिनसे हमें फल भी प्राप्त होंगे और हमें छाया भी मिलेगी और इनकी जो लकड़ी भी आवाज में बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह के पौधे हमने लगाए हैं, ये हर साल की भांति करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं जोगिंदर दहिया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला। आज हमारी संस्था फेडरेशन ऑफ नरेला ने नरेला के जल बोर्ड का जो ट्यूबवेल है उसमें पौधे रोपण का कार्य शुरुआत की है, जिस पर लगभग काफ़ी सारे पौधे हमारी संस्था ने लगाए हैं और इस प्रकार का कार्य हम लगभग 10 साल से कर रहे हैं। हमारा टारगेट हर सीजन में हर साल लगभग कई हजार पौधों का होता है और इसी प्रकार आगे हमारा मिशन चलता रहेगा। फेडरेशन का उद्देश्य होता है पर्यावरण की रक्षा के लिए हम पौधारोपण करते हैं और आगे भी समय समय पर हम इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे और लोगों को घर में रखने के पौधे भी हम डोनेट करते हैं, जो आगे जाके पर्यावरण की रक्षा कहीं ना कहीं कर रहे हैं।